नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। साल 2018 में भाजपा ने मालेगांव विस्फोट में आरोपी रही प्रज्ञा ठाकुर को मुख्य धारा की राजनीति में लाने का फैसला किया। साध्वी के नाम से मशहूर प्रज्ञा ठाकुर भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भोपाल से मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने इस सीट पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर दाव खेला। हालांकि हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने में बीजेपी सफल रही और प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी से सांसद बन गए। बीजेपी की महिला नेताओं की वजह से पार्टी की किरकिरी हो गई। फिल्मी दुनिया से राजनीति में एंट्री करने वाली कंगना रनौत की वजह से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। किसान को लेकर कंगना के एक पुराने बयान का बवाल खत्म भी नहीं हुआ था कि मंडी से बीजेपी सांसद ने दूसरे बयान दे दिया है, वो भी ऐसा बयान जो बीजेपी के लिए सियासी वज्रपात साबित हो रहा है। हालांकि कंगना पहली महिला राजनेता नहीं है जिनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग बीजेपी के लिए सियासी आफत बन गई हो। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। चौबीस के लोकसभा चुनाव से पहले कंगना रनौत की बीजेपी में एंट्री हुई। बीजेपी में आते ही कंगना ने जमकर माहौल बनाया। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कंगना खूब बोली। स्टार एक्ट्रेस होने की वजह से मीडिया ने भी कंगना को खूब तवज्जो दी। चुनाव की जब घोषणा हुई तो बीजेपी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से उम्मीदवार बना दिया। इस सीट से कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सांसद थी। सांसद बनने के बाद कंगना ने विवादित बयान देना शुरू किया। पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि किसान आंदोलन के वक्त लोगों के साथ रेप हुए। कंगना का यह बयान बीजेपी के लिए सियासी बवाल मच गया। वजह हरियाणा का चुनाव। पार्टी ने तुरंत बयान जारी कर कंगना को नसीहत दी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अब कंगना का एक और वीडियो मीडिया में आ गया। कंगना इस वीडियो में कह रही है कि फिर से 3 रद्द किए गए कृषि कानून लाने पर विचार हो। कंगना के इस बयान से पार्टी ने तो पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। हरियाणा में सत्ता की चाबी किसानों के पास ही है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मालेगांव विस्फोट में आरोपी रही प्रज्ञा ठाकुर को मुख्य धारा की राजनीति में लाने का फैसला किया। साध्वी के नाम से मशहूर प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने 2019 के चुनाव में भोपाल से लड़ाने का फैसला लिया। प्रज्ञा के जरिए बीजेपी ने हिंदुत्व और तुष्टिकरण की राजनीति को साधने की कोशिश की। शुरुआत में प्रज्ञा हिंदुत्व और उससे जुड़े मुद्दों पर जमकर बोल रही थी। प्रज्ञा की एंट्री से बीजेपी को फायदा भी हुआ और पार्टी भोपाल की सीट बड़ी मार्जिन से जीत भी गई। प्रज्ञा ने इसके बाद पार्टी की मुश्किलें बढ़ानी शुरू की। प्रज्ञा ने पहले महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने गोडसे को सही ठहराते हुए गांधी को राष्ट्रपुत्र बताया। मामले में जब पार्टी की किरकिर हुई तो खुद प्रधानमंत्री को इस पर बयान देना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं प्रज्ञा को कभी माफ नहीं करूंगा। कहा जाता है कि बीजेपी ने प्रज्ञा को इसके बाद साइडलाइन करना शुरू कर दिया। 2017 में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजना था। इसी बीच बीजेपी के गदावर नेता दयाशंकर सिंह ने मायावती पर विवादित टिप्पणी कर दी। दयाशंकर के बयान को बीएसपी ने दलित विरोधी बयान बताया। बैकफुट पर आई बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को आनन फानन में पार्टी से सस्पेंड कर दिया। स्वाति के मैदान में आने से बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई। पूरे चुनाव में बीजेपी ने स्वाति को खूब प्रमोट किया। 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो स्वाति को मंत्री बनाया गया। स्वाति पूरे 5 साल तक मंत्री रही। हालांकि इस दौरान उनकी वजह से कई मौकों पर सरकार की मुश्किलों में फंसती नजर आई। मंत्री रहते स्वाति एक बियर शॉप के उद्घाटन करने पहुंच गई। मीडिया में जब खबर छपी तो पार्टी ने किनारा कर लिया। नुपुर शर्मा भाजपा प्रवक्ता के तौर पर एक टीवी डिबेट में हिस्सा ले रही थी, तभी उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक हदीस का जिक्र कर दिया। उस वक्त काशी मथुरा के विवाद पर चर्चा चल रही थी। काशी के ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर विवाद पर चर्चा के दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी कर दी। उनकी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और मुसलमान भड़क गए। मुसलमानों की तरफ से नुपुर शर्मा के कत्ल का ऐलान होने लगा। तब बीजेपी ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। यह घटनाक्रम जून 2022 का है। तब से अभी तक नुपुर शर्मा लाइमलाइट और मीडिया से दूर है।
से देखते रहे फोरसाइट्स टीवी।